गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। पर उस तो पहला अपना लॉग दिया प्रॉपर्टीज करनी है। जे लॉग दिया प्रॉपर्टीज नहीं होनगियां तो अपना को टॉपिक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं होएगा। सब तो पहला अपना लिखना लॉगरिथमिक्स की होंगे। लॉगरिथम एक मैथमेटिकल टूल होंगे। लॉगरिथम इज ए मैथमेटिकल टूल विच इज यूज टू सॉल्व कॉम्पलैक्स एक्सप्रैशंस। जड़े थोड़े कॉम्पलैक्स एक्सप्रैशंस होंगे पावर आए या मल्टीप्लाई डिवाइड आए उन्होंने सोल्व करने लिए लोग लगता है। देखो यारा किदा किदा करने दे सवाल। सब तो पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम मैं पूरा नहीं बोलांगा, लॉग बोलांगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। सब तो पहली प्रॉपर्टी की देखो यारा, जिहड़े दे साइंस वाले बच्चे उन्होंने पता होना लॉग एम इन टू एन, दो टर्मा मल्टीप्लाई जो फार्मूला लगता है लॉग एम प्लस लॉग एन, मल्टीप्लाई जो ना लोग एम प्लस लोग एन हो जाता है लोग एम बाई एन, लोग एम बाई एन डिवाइड जो होना लोग एम माइनस लोग एन बन जाता है, माइनस लोग एन बन जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो जरा, इन्हों दोवों क्लब करके आनी है। ये तुसी पढ़ी नहीं होनी नॉन मेडिकल वाले बच्चों ने, बाकी कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चों ने तो कोई नहीं की होनी। देखो यार लोग एम एन ओ पी मतलब उपर टर्मा मल्टीप्लाई चे थले टर्मा डिवाइड चे। हुण आ प्रॉपर्टी वेखो, जिहड़ी टर्मा न्यूमीरेटर च हैगियां सी उन्हां दे नाल प्लस लोग का साइन लगा, उन्हां दे नाल प्लस लोग का साइन लगा। जिहड़ी आ डिनोमीनेटर च एन हैगा सी इहदे अगे साइन लगा माइनस, लोग एन दे अगे साइन कहड़ा लगा माइनस। यह प्रॉपर्टी खुलनी किदा है, उपर वाली टर्मा ना लोग एम प्लस लोग एन माइनस लोग ओ माइनस लोग पी, माइनस लोग ओ माइनस लोग पी ए प्रॉपर्टी है, ये अपने अप्लाई होनी है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो जरा, लोग एम दी पावर एन, ये भी बड़ी लगनी है अज जिन्हें भी सम कराने हैं। लोग एम दी पावर एन पावर अगे आ जाएगी एन लोग एम, ए लोग दी प्रॉपर्टी दे नाल पावर अगे आउंदी भी, ए लोग एम दी पावर एन पावर अगे आउंदी भी, एदां नहीं करना पावर अगे आ गई एक पावर घट गई, वो डिफरेंशिएशन दे रिजल्ट हैगे है। ए लोग दे रिजल्ट रखदे, पावर अगे आ गई उपर पावर नहीं रहनी, ए लोग दे रिजल्ट हैगे है। लोग ई दी स्टैंडर्ड वैल्यू हुंदी वन, कितें लोग ई पिया होए वन ला दिओ। जे ई दी पावर लोग होए, ई ते लोग एक दूजे ते दुश्मन होंदे, खा जांदे एक दूजे नूं, ई दी पावर च लोग होए ई ना लोग कैंसल, सीधा सीधा एक्स बचेगा, ई दी पावर च लोग एक्स होए सीधा सीधा एक्स बचेगा। सैवंथ लोग ए बेस बी, लोग ए पैरां च बी पिया होएगा, पिछले सम कीते होणगे आया होएगा जिन्होंने प्राइम कीती होएगी, इहदा फार्मूला बनेगा लोग ए अपोन लोग बी, इहदा फार्मूला बनेगा लोग ए अपोन लोग बी, लोग ए बेस बी आ फार्मूला बनेगा लोग ए बाय बी। ए गई लोग दे फार्मूले। अगे देखो जरा, अगे आपां अज एक फार्मूला पहला कर लगे हां एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल का पता ना तुहानू यू इंटू वी वाला। एक्सटेंशन का मतलब है जे तीन टर्मा मल्टीप्लाई जो होना, जे तीन टर्मा मल्टीप्लाई जो होना यूवी डबल यूवी कॉन्सटेंट, दो टर्मा कॉन्सटेंट रख लिया तीजे की डिफरेंशिएशन, डबल यू की डिफरेंशिएशन। अगे देखो यू डबल यू कॉन्सटेंट, यू डबल यू कॉन्सटेंट वी की डिफरेंशिएशन, दो दोनों कॉन्सटेंट रखी जाओ,
अगे वी डबल यू कॉन्सटेंट यू की डिफरेंसीएशन दो दोनों कॉन्सटेंट रख के तीजे डिफरेंसीएशन करी जानी है। ये है अपना एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। ये बेस से जोड़े दो सम है वह आप कर लगे स्टार्ट एक्सरसाइज 5.5 कर लगे स्टार्ट। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फंक्शन डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन देखो जरा किदा करने सम सोल्व। पहला सम है कोज एक्स कोज टू एक्स कोज थ्री एक्स इनू सोल्व कर लगे आप तीन टर्मा मल्टीप्लाई चाहिए एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट रूल लगा लो। एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट रूल का मतलब एक यू मान लो एक वी मान लो एक डबल्यू मान लो आ फार्मूला ला लो डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स पहला दोवों को कॉन्सटेंट रखो कोज एक्स से कोज टू एक्स कॉन्सटेंट रख लिया कोज एक्स कोज टू एक्स कॉन्सटेंट रख लिया यदि डिफरेंशिएशन कर लगे कोस थ्री एक्स की कोस थ्री एक्स की डिफरेंशिएशन होनी है माइनस साइन थ्री एक्स थ्री एक्स एंगल की दोबारा भी होनी है थ्री एक्स की हो जानी थ्री अगे आ जाएगा थ्री एक्स की हो जानी थ्री अगे आ जाएगा एक बार पहली तीजी टर्म कॉन्सटेंट रख लो दो दो कॉन्सटेंट रख के करना जिदा मर्जी रख लो कॉन्सटेंट कोस टू एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन टू एक्स टू एक्स एंगल की दोबारा करा टू वो मैं पहला ही अगे करके लिख लिया पहला ही अगे करके लिख लिया मैं थोड़ा जा टाइम बचा लाँगा ना हूँ कोस टू एक्स कोस थ्री एक्स कॉन्सटेंट रख लो कोस टू एक्स कोस थ्री एक्स कॉन्सटेंट रख लो कोज एक्स का डेरीवेटिव कोज एक्स का डेरीवेटिव कोज एक्स का डेरीवेटिव होंगे माइनस साइन एक्स कोज एक्स का डेरीवेटिव होंगे माइनस साइन एक्स ये अपने को आंसर आ जाएगा। बुक से थोड़ा जहा आंसर ना अलग फॉर्म से दिता उन्होंने लोग लैग किया हो कोई गल नहीं तुम इदा ही कर लो जरा सब सौखे तरीके हो सकता क्यों पंगा लेना आप माइनस थ्री अगे करके लिखो ना इधरों माइनस थ्री कोज एक्स जे तरीके मैं करा दिया तुम इदा ही कर लो माइनस अगे करके लिख लो माइनस टू ये बड़े आराम ना पता लग जाएगा माइनस टू अगे कर लेना प्लस कराने इधरों माइनस साइन अगे कर लो ये अपना आंसर आ जाने ये अपना आंसर आ जाने मतलब किड्डा सौखा क्वेश्चन हैगा सी बुक से थोड़ा अलग वे किया सोल्यूशन वेखोगे उन्होंने लॉग वगैरह लै किया हो उदा भी हो जाएगा पर जो सौखा तरीका ना एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट रूल ना हो सकता आप अप्लाई करना जे जे तरीके मैं करा दिया उस तरीके कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो जरा फिफ्थ क्वेश्चन है तेरे को एक्स प्लस थ्री का होल स्केयर एक्स प्लस फोर की पावर थ्री एक्स प्लस फाइव की पावर फोर एक्स प्लस फाइव की पावर फोर देखो जरा कि सोल्व करना उ गल तीन टर्म है मल्टीप्लाई से यू वी डबल यू मान लो तीन टर्म है मल्टीप्लाई से यू वी डबल यू मान लो तो लाओ डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स पहलियां दोनों कॉन्सटेंट रखो पहलियां दोनों कॉन्सटेंट रखो यदि डिफरेंशिएशन करो जो यदि डिफरेंशिएशन करांगे फोर अगे आएगा उपर एक पावर घट जाएगी पावर घट के रह जाएगी थ्री एक्स प्लस फाइव की दोबारा करा एक्स की वन हो नहीं फाइव की जीरो ही नहीं वो करने की लड़ ही नहीं देखो यारा पहलियां दोनों कॉन्सटेंट रखे यदि डिफरेंशिएशन की मैं फोर अगे आ गया एक पावर घट गई उपर थ्री लगी एक्स प्लस वैसे यू की पावर एन बनना ही क्योंकि एक्स नहीं ना एक्स प्लस फाइव है पर एक्स प्लस फाइव की दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे वन ही आ जाना एक्स की वन हो नहीं फाइव की जीरो एक प्लस पहली तीजी टर्म कॉन्सटेंट रख लो फर्स्ट ते थर्ड टर्म कॉन्सटेंट रख लो सैकेंड टर्म की डिफरेंशिएशन करो ए थ्री अगे आ गया एक्स प्लस फोर की पावर थ्री का उपर एक पावर घट गई पावर आई नहीं उपर टू थ्री अगे आ गया ना टू रह गई एक बार सैकेंड थर्ड टर्म कॉन्सटेंट रख लो
सैकेंड थर्ड टर्म नू कॉन्सटेंट रख लो, फस्ट टर्म का डेरीवेटिव टू अगे आ गया, एक्स प्लस थ्री की एक पावर घट गई वन रह गया, हालांकि एक्स प्लस थ्री की दोबारा भी होनी हो, एक्स की वन ही होनी तो थ्री की जीरो होनी, मैं तां नहीं लिखता पाया। वैसे तो सम यही है, सम इतें ही खत्म हो जाता है, पर उही गल जे बुक ना आंसर मैच करने फिर प्रोपर प्रोसीजर फॉलो करना पैना है, फिर तेन कॉमन वगैरह कढ़ना आता होना चाहिए, तो ही तेरे बुक ना आंसर मैच करे, जे तेन कॉमन कढ़ना नहीं आता तो बुक ना आंसर नहीं मैच करने। कढ़ो कॉमन इधरों, एक्स प्लस थ्री की पावर टू आते इतने, एक्स प्लस थ्री की पावर टू आते, एक्स प्लस थ्री की पावर वन आ, कॉमन की आना एक्स प्लस थ्री की पावर वन कॉमन आ जाना, इतने एक्स प्लस फोर की पावर थ्री है, इतने एक्स प्लस फोर की पावर टू है, इतने एक्स प्लस फोर की पावर थ्री है, एक्स प्लस फोर की पावर टू कॉमन आ जाना, क्योंकि घट पावर कॉमन आती है ना, इतने थ्री थ्री पावर है तो टू पावर है, इतने एक्स प्लस फाइव की पावर थ्री है, इतने एक्स प्लस फाइव की पावर फोर है, इतने एक्स प्लस फाइव की पावर फोर है, घट पावर थ्री हैगी है, एक्स प्लस फाइव की पावर थ्री कॉमन आ जाना, कॉमन कट के देखो जरा की बचता पाया ब्रैकेट च, इतने एक्स प्लस थ्री कॉमन कढ़िया ही ना, स्केयर हैगा सी, इतने एक्स प्लस थ्री बचेगा, नाल बचेगा एक्स प्लस फोर, नाल बचेगा फोर, नाल बचेगा फोर, इधरों देखो यारा इधरों भी एक्स प्लस थ्री बचेगा, नाल बचेगा एक्स प्लस फाइव, नाल बचेगा थ्री, इधरों बचेगा थर्ड टर्म चो एक्स प्लस फोर बचेगा, एक्स प्लस फाइव बचेगा, नाल बचेगा टू। हुण जे पूरा बुकना आंसर मैच करना है, बाहर वाली टर्म नू कुछ नहीं करना, इनू कुछ नहीं करना, आ टर्म मल्टीप्लाई करा के प्लस कर लो, आ टर्म आपस मल्टीप्लाई करो, ये आपस मल्टीप्लाई करो, ये आपस मल्टीप्लाई करो, ये प्लस कर लियो, तुहाडा आंसर मैच कर जाएगा, ये मतलब इनू अपने आप सोल्व करो, हुण मैं मल्टीप्लाई नहीं करन लगा, मैं तुहानू दस्सिया मल्टीप्लाई देन ऐड, मतलब ये स्टैप अपने आप करना, ये नहीं मैं करन लगा, ये बड़े आराम ना हो जाएगा, कोई डी कोई तगड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो नहीं हो सकता। हुण अगे देखो जरा, अपना टॉपिक जो मेन टॉपिक अज है वह है लॉगरिथमिक डिफरेंसीएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंसीएशन, लॉग कदों अप्लाई करना है, जो कॉम्पलैक्स पावर हो, मतलब पावर भी औखी हो, थले एक्सप्रैशन भी औखा होए, डिफरेंसीएशन लेंथ ही बनती होए, उदों लॉग अप्लाई करना तुसी, जान लॉग कदों अप्लाई करना है, मेन चीज देखो जो वेरीएबल की पावर वेरीएबल होए, वेरीएबल की पावर वेरीएबल का मतलब होंदा है एक्स की पावर च एक्स वाली टर्म होए, तीन तरह दियां डिफरेंसीएशन होंदियां है, जे एक्स की पावर ए होए इहदी डिफरेंसीएशन पता की बननी है, ए अगे आ जाना एक्स की एक पावर घट जानी है, तुहानू तिन्हां च कन्फ्यूजन होनी है, जे ए दी पावर एक्स होए ये है वेरीएबल की पावर च कॉन्सटेंट, जे कॉन्सटेंट की पावर च वेरीएबल होए इहदी डिफरेंसीएशन का फार्मूला होंदा ए दी पावर एक्स लोग ए, जे एक्स की पावर एक्स होए वाई दे बराबर लैट करके अपलाई करना लोग, अपलाई करना लोग, दैन होनी डिफरेंसीएशन, आला टॉपिक है अज का अपना, मैं दसदा कि करना, तो जे कॉन्सटेंट की पावर कॉन्सटेंट हो डेरीवेटिव तो सीधा सीधा जीरो हो जाएगा, कॉन्सटेंट की पावर कॉन्सटेंट तो जीरो ही हो जाता ना। सब तो पहले आप सम नंबर कर लगे, सैकेंड सैकेंड क्वेश्चन कर लगे, डिफरेंशिएट क्या है ना, उन्होंने ए सम दिता है अपन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, आ सम दिता हो, कहता डिफरेंशिएशन करो, जे इनू यू की पावर एन बनावे वो तो पावर हाफ बन जाएगी, हाफ अगे आ जाएगा एक पावर घट जाएगी, आ टर्म की डिफरेंशिएशन हो तो जाएगी पर एड्डी सौखी नहीं गई जिड्डी सौखी तुम सोचते हो, मतलब आ एक कॉम्प्लीकेटेड एक्सप्रैशन आ गया, कॉम्पलैक्स एक्सप्रैशन आ गया,
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈਟ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹਾਫ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਲੋਗ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਲੋਗ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਟੇਕਿੰਗ ਲੋਗ ਓਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਲੋਗ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੋਗ ਵਾਏ, ਇੱਧਰ ਲੋਗ ਵਾਏ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਲੋਗ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੋਗ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 2, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 3, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 4, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 5। ਲੋਗ ਐਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਹੋਏ, ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਗ ਐਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ, ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਐਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਐਨ ਲੋਗ ਐਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਲੋਗ ਵਾਏ, ਇੱਧਰ ਪਾਵਰ ਹਾਫ ਅੱਗੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਚਣਾ ਲੋਗ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 2, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 3। ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਹਲੇ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਹਲੇ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਫਟਾਫਟ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਲੇ ਲੋਗ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਲੋਗ ਐਮ ਐਨ ਓ ਪੀ, ਉੱਪਰ ਟਰਮਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਹੋਣ, ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਲੱਗਦਾ ਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਗ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਈਨਸ। ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਲੋਗ ਵਾਏ ਦਾ ਲੋਗ ਵਾਏ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਧਰ ਹਾਫ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਗ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਪਲੱਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਗ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 2। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਲੱਗਣਾ, ਮਾਈਨਸ ਲੋਗ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 3। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਿਓ, ਮਾਈਨਸ ਲੋਗ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 4 ਮਾਈਨਸ ਲੋਗ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 5। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ। ਲੋਗ ਵਾਈ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਲੋਗ ਯੂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/u, ਯੂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ, 1/u, ਯੂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ। ਲੋਗ ਵਾਈ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1/y, ਡੀ ਵਾਈ ਬਾਏ ਡੀ ਐਕਸ। ਹਰ ਸਵਾਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮ। ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾ ਤਾ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1/2 ਕੋਂਸਟੈਂਟ, 1/2 ਕੋਂਸਟੈਂਟ, ਲੋਗ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ, 1/(x-1), 1/(x-1), ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ 1 ਹੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਐਕਸ ਦੀ 1 ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ 0, ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਲੋਗ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 2 ਦੀ 1/, ਵੈਸੇ 1/(u), ਯੂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 2 ਦੀ ਵੀ 1 ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ 1/(x-3), 1/(x-4), 1/(x-5). ਹੁਣ ਵਾਈ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਵਾਈ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀ ਵਾਈ ਬਾਏ ਡੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 1/2। ਬਾਕੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, 1/(x-1), 1/(x-2), 1/(x-3), 1/(x-4), 1/(x-5). ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇਣੀ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਚੋਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਆਂਸਰ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਡੀ ਵਾਈ ਬਾਏ ਡੀ ਐਕਸ, ਆ 1/2 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਆ, ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਾ ਦਿਓ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1
एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव। आ टर्मा ब्रैकेट वाली इदा दा ही लिख दो, वन अपॉन एक्स माइनस वन, वन अपॉन एक्स माइनस टू, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, वन अपॉन एक्स माइनस फोर। ये अपना आंसर आएगा। तुम थोड़े औखे लगने सम स्टार्टिंग से, पर कोई गल नहीं, लोग वाले सम चलने, इस करके लास्ट तक करा रहे हैं एक्सरसाइज वाली। मैं एग्जाम्पल थर्टी करा इस तो बाद अपन एग्जाम्पल थर्टी कोशिश कराया करो, वीडियो तुहाडी पोज होए अपने आप कराया करो सोल्व। डिफरेंशिएट अंडर रूट एक्स माइनस थ्री, एक्स स्केयर प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव विद रिस्पैक्ट टू एक्स। पिछले सामना मैच करता थोड़ा जहा अलग है, बच्चे गलतियां करते होंगे, इस करके मैं करा लगा। हूँ अंडर रूट वाला एक्सप्रैशन है, कली कली टर्मा दी हुई आ, पर अंदर टर्मा लग गई, औखिया जी टर्मा लग गई, वाई के बराबर लैट कर लेना। आप लोगरिथमिक डिफरेंसीएशन का कंसैप्ट लावे, इनू ब्रैकेट पाओ पावर मनो हाफ, ब्रैकेट पाओ पावर मनो हाफ, एक्स माइनस थ्री, एक्स स्केयर प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। यह टर्म आ गई अपने को, यदि आप डिफरेंशिएशन करनी है। हले डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, पहले लॉग अप्लाई करना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। पिछले सम वांगू वेखोगे ना, पता लग जाएगा कि किदा किदा करना सोल्व। इधर लॉग वाई लाया करो, इधर लॉग आली टर्म इदा दी इदा ही लिख के पावर हाफ, उपर एक्स माइनस थ्री, एक्स स्केयर प्लस फोर, थ्री एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। लॉग एम दी पावर एन, पावर अगे आ गई, लॉग एम दी पावर एन पावर अगे आ गई, हाफ अगे आ गया। पहला लॉग दी पावर अगे आनी है ना, आप डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, हाले पावर अगे वाला कंसैप्ट कर रहे हैं। एक्स माइनस थ्री, एक्स स्केयर प्लस फोर, हुण लॉग दी थर्ड प्रॉपर्टी लानी, आप लॉग दी थर्ड प्रॉपर्टी लानी। थर्ड प्रॉपर्टी की कहती है, उपर वाली टर्मा जिहड़ियां मल्टीप्लाई च आ उन्हां दे नाल लॉग ला के प्लस साइन ला दो, थले वाली टर्म दे नाल साइन ला दो माइनस। लॉग दीआं प्रॉपर्टियां चल रही, लॉग वाई इज इक्वल टू हाफ, लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग एक्स स्केयर प्लस फोर माइनस लॉग, माइनस लॉग थ्री एक्स स्केयर ए प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। अमर को जगह घट है, मैं थले करके लिख रहा, जगह घट है मैं थले करके लिख रहा, तो इको लाइन च लिखियो, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखियो। ऐदा करना आप, हूँ डिफरेंशिएशन अप्लाई करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स। लॉग वाई की डिफरेंशिएशन वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, लॉग वाई की डिफरेंशिएशन होती वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स। वन बाय टू कॉन्सटेंट, लॉग एक्स माइनस थ्री की वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। जे एक्स माइनस थ्री की मैं उपर डिफरेंशिएशन भी कर लाँगा, एक्स की तो वन हो ही नहीं है, तो माइनस थ्री की हो ही नहीं जीरो, कुछ नहीं लभना इस। अगला ध्यान ना वेखना, आ गलतियां करनी है तुम्हें, लॉग एक्स स्केयर प्लस फोर की वन अपॉन एक्स स्केयर प्लस फोर, एक्स स्केयर प्लस फोर की उपर भी डिफरेंशिएशन करनी है। हुण एक्स स्केयर की उपर डिफरेंशिएशन की हो ही नहीं है, टू एक्स, फोर की तो जीरो ही नहीं है ना, फोर की तो जीरो ही नहीं है, एक्स स्केयर की हो ही नहीं, टू एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। वन अपॉन आ चीज आ गई, उपर डिफरेंशिएशन करनी आप, थ्री एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव की उपर डिफरेंशिएशन करांगे, क्योंकि लोग यू दे होना ना, वन अपॉन यू, यू की दोबारा थ्री एक्स स्केयर की हो जानी सिक्स एक्स, तो फोर एक्स ही हो जानी फोर, थ्री एक्स स्केयर तो हो जानी
सिक्स एक्स टू गया इन्होंने सिक्स एक्स हो ही नहीं फोर एक्स ही फोर हो ही नहीं है वाई द डिवाइड से उधर वाले पास जाके मल्टीप्लाई कर दो वाई मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट वाली टर्म ने कोई पंगा नहीं लेना दसा तू तो वाई की वैल्यू ला दो वाई की वैल्यू ला दो इतने ब्रैकेट पा दियो जो ब्रैकेट नहीं पानी फिर साइन विचकार पाना या विचकार मैं उपर जे करके साइन पाया इस करके ब्रैकेट पाई है डी वाई बाय डी एक्स वन बाय टू कॉन्सटेंट वाई की वैल्यू लो वाई की वैल्यू क्वेश्चन चौली अंडर रूट एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिनोमीनेटर चाहेगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव स्क्वायर ब्रैकेट वन अपॉन एक्स माइनस थ्री टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव ये अपना आंसर आएगा बहुत सौखा क्वेश्चन हैगा ही अगे देखो जरा अगे आप क्वेश्चन नंबर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड जड़े जड़े कह रहे थानू उही करने तुसीं लोग एक्स की पावर च है कोज एक्स लोग एक्स की पावर च है कोज एक्स आखो वेरीएबल की पावर वेरीएबल आ गया एक्स वाली टर्म है ओदी पावर च भी एक्स वाली टर्म है वेरीएबल की पावर च वेरीएबल है यदा मतलब ये सीधी डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती इस लोग अप्लाई करना पैना हूँ कई बच्चे कहेंगे कि लोग पहले ही लगा है कोज एक्स सीधा अगे लाओ कोज एक्स सीधा अगे तो आ सकता जे इदा होए लोग एक्स की पावर च कोज एक्स होए फिर कोज एक्स अगे आ सकता ए पूरे होर लोग एक्स की पावर च कोज एक्स है कोज एक्स अगे नहीं आ सकता जे इदा लिखा होंगे ब्रैकेट ना पई होंगी फिर कोज एक्स अगे आ सकता ही वेरीएबल की पावर वेरीएबल है वाई के बराबर लैट करना इन सब तो पहला इनू वाई के बराबर लैट करना वाई इज इक्वल टू लोग एक्स की पावर कोज एक्स हौस लेना सम सोल्व करना सम सोल्व हो जाएगा टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड कई बच्चों लगेगा कि वीडियो बड़ी वीड्डी मुकती नहीं पई पर कोई गल नहीं पेशेंस लैवल रखियो टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड दोवे पासे लोग अपलाई करो जो दोवे पासे लोग अपलाई करांगे इधर की आएगा लोग वाई इधर आएगा लोग वाई इधर आएगा लोग ऑफ लोग एक्स दी पावर कोज एक्स हूँ इधर प्रॉपर्टी लगेगी लोग एम दी पावर एन लोग एम दी पावर एन पावर अगे आएगी हले मैं डिफरेंशिएशन शुरू नहीं की हले मैं डिफरेंशिएशन शुरू नहीं की हूँ डिफरेंशिएशन करनी आप डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स हूँ डिफरेंशिएशन करनी है डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स जो डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स करांगे इनू यू मनना है तो इनू मनना वी तुसी आ पूरा यू बनेगा तो आ पूरा वी बनेगा प्रोडक्ट रूल लगना ना इधर लगना प्रोडक्ट रूल लोग वाई की डिफरेंशिएशन वन बाय वाई हर वार ऐदा ही नहीं डी वाई बाय डी एक्स प्रोडक्ट रूल आओ कोज एक्स कॉन्सटेंट यू कॉन्सटेंट वी का डेरीवेटिव लोग ऑफ लोग एक्स का डेरीवेटिव लोग ऑफ लोग एक्स का डेरीवेटिव ए लोग यू बन जाना लोग यू वन अपॉन लोग एक्स वन बाय लोग एक्स तो लोग एक्स की दोबारा डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स लोग एक्स की दोबारा डिफरेंशिएशन करांगे वन बाय एक्स ए लोग यू बन जाना वन अपॉन लोग एक्स का दोबारा डेरीवेटिव करांगे वन बाय एक्स प्लस लोग ऑफ लोग एक्स कॉन्सटेंट हूँ वी नू कॉन्सटेंट रख लेना आपां यू का डेरीवेटिव करना कोज एक्स का डेरीवेटिव की हो जाएगा अपने को माइनस साइन एक्स ब्रैकेट च पा के लिखना आप जे ब्रैकेट नहीं पावे सब गलत हो जाएगा ब्रैकेट च पा के लिखना आप मतलब एक करी यू नू कॉन्सटेंट रखा वी का डेरीवेटिव किया एक करी वी नू कॉन्सटेंट रखा यू का डेरीवेटिव किया वाई द डिवाइड से परले पासे मल्टीप्लाई करी दा इतने ब्रैकेट पा दियो इतने ब्रैकेट पा दियो
इनू सिंपलीफाई करके लिखो कोज एक्स अपोन एक्स लोग एक्स, एक्स अगे करके लिख लेना ना, माइनस साइन एक्स भी इतने करके लिख लो प्लस के नाल, प्लस माइनस माइनस होंगे, माइनस साइन एक्स लोग ऑफ लोग एक्स, माइनस साइन एक्स लोग ऑफ लोग एक्स। तो वाई की वैल्यू ला दो, वाई की वैल्यू ला दो, वाई की वैल्यू क्या है, लोग एक्स की पावर कोज एक्स, लोग एक्स की पावर कोज एक्स अपोन कोज एक्स एक्स लोग एक्स माइनस साइन एक्स लोग ऑफ लोग एक्स, ए लोग की वैल्यू। हूँ अगे देखो अगे कि क्वेश्चन करना आपां, इस तो अगे तुसीं मिसलेनियस एक्सरसाइज खोलनी है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर करना नाइन्थ, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर करना नाइन्थ, मिसलेनियस एक्सरसाइज का उही है डिफरेंशिएट ही है, डिफरेंशिएट साइन एक्स माइनस कोज एक्स, मतलब थल हैगा साइन एक्स माइनस कोज एक्स, पावर च भी है साइन एक्स माइनस कोज एक्स, जिन्हें पावर आने सवाल है ना लोग लग के होने सोल्व, वेरीएबल की पावर है वेरीएबल, आ एक्स वाली टर्म आ इहदी पावर च भी एक्स वाली टर्म है विद रिस्पैक्ट टू एक्स, नाल डोमेन दिती हुई कोई गल नहीं तो कोई कम नहीं कहना विद रिस्पैक्ट टू एक्स। देखो जरा किदा सोल्व करना, सब तो पहला वाई दे बराबर लैट करना, इनू वाई दे बराबर लैट करना, वेरीएबल दी बार वेरीएबल हो गया ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोवें पासे लॉग अप्लाई कर देना क्योंकि वेरीएबल दी बार वेरीएबल है, इधर आए ना लॉग वाई, इधर आए ना लॉग वाई, राइट हैंड साइड दे की होना है लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कोज एक्स, एदी पावर च साइन एक्स माइनस कोज एक्स, लॉग एम दी पावर एन, लॉग एम दी पावर एन, पावर अगे आ जाएगी, लॉग एम दी पावर एन पावर अगे आ जाती है, यानी लॉग दी प्रॉपर्टीज लग रही हैं, हर लोग वाले सवाल च पहला तो पावर अगे आनी है, जो डिफरेंशिएशन करनी तो प्रोडक्ट रूल लगना, जो डिफरेंशिएशन करनी प्रोडक्ट रूल लगना, जो डिफरेंशिएशन करनी अगला स्टैप आप डिफरेंशिएशन करनी, इनू मना यू तुसी, आ सारा बनना वी तुहाडा, आ सारा तुहाडा वी बनना, अगे लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, लोग वाई का डेरीवेटिव हर समझ कर रहे आप वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, इधर यू कॉन्सटेंट साइन एक्स माइनस कोज एक्स कॉन्सटेंट, यदि डिफरेंशिएशन करनी आप लोग यू की डिफरेंशिएशन वन अपोन साइन एक्स माइनस कोज एक्स, वन अपोन साइन एक्स माइनस कोज एक्स, साइन एक्स माइनस कोज एक्स की दोबारा, साइन एक्स माइनस कोज एक्स की दोबारा डिफरेंशिएशन भी होनी क्योंकि लोग यू बनता पैना, लोग यू दी होनी वन अपोन यू, इस टर्म की दोबारा डिफरेंशिएशन करांगे, साइन एक्स की हो जानी कोज एक्स की होनी माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाना, कोज एक्स की हो जानी माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाना, अगे साइन बना प्लस का, अगे साइन बना प्लस का, आली टर्म कॉन्सटेंट रखना आप लोग साइन एक्स माइनस कोज एक्स कॉन्सटेंट रखना, यदि डिफरेंशिएशन करनी यू की, साइन एक्स माइनस कोज एक्स की डेरीवेटिव करनी है, साइन एक्स की डेरीवेटिव हो जाएगी कोज एक्स की डेरीवेटिव हो जाएगी माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाना, कोज एक्स की डेरीवेटिव हो जाएगी माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाना, आ टर्म वेखो कट्टी जानी सीधी सीधी, आ सीधी सीधी टर्म कट्टी गई, इधर बचता पाया कोज एक्स प्लस साइन एक्स, इधर भी कोज एक्स प्लस साइन एक्स पे लोग दे नाल आ टर्म पई है, मतलब बचना की अपने को बचना है वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू
कोज एक्स प्लस साइन एक्स आ एक टर्म बच रही अपने को प्लस लोग दे नाल, लोग दे नाल जिहड़ी टर्म बचती भी वह बाद च लिखते हैं, पहला अगली टर्म लिख लैने कोज एक्स प्लस साइन एक्स लोग ऑफ साइन एक्स माइनस कोज एक्स, लोग ऑफ साइन एक्स माइनस कोज एक्स कोमन कटो, कोज एक्स प्लस साइन एक्स कोमन कटो, वाई दे डिवाइड से मल्टीप्लाई कर लो, वाई डिवाइड से मल्टीप्लाई कर लो, कोज एक्स प्लस साइन एक्स भी कोमन कट लो, कोज एक्स प्लस साइन एक्स आ सारी टर्म कोमन कट ली, इधर वन ही बचना है, आ सारी टर्म कोमन कट ली वन ही बचना है, प्लस इधरों आदि कोमन चल गया बार, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कोज एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कोज एक्स इधर आएगा डी वाई बाय डी एक्स, वाई की वैल्यू ला दो, वाई की वैल्यू क्वेश्चन चो एक लाओ, साइन एक्स की साइन एक्स माइनस कोज एक्स की पावर, साइन एक्स माइनस कोज एक्स थले की आना अपने कोज एक्स प्लस साइन एक्स, थले आना है कोज एक्स प्लस साइन एक्स ब्रैकेट है वन प्लस लोग साइन एक्स माइनस कोज एक्स, ये आंसर आना। बड़े सौखे क्वेश्चन ने पता लग जाएंगे, हूँ तुहाडा होमवर्क हैगा एक तो एग्जाम्पल 32 करनी एन सी आर टी की, तो मिसलेनियस का क्वेश्चन 7 करना, हूँ यही कर लियो तुसी, मैं वीडियो जो ता नहीं पा रहा क्योंकि लेंथी हो जाए, आराम ना पता लग जाए, वीडियो लेंथी हो जाएगी आराम ना पता लग जाएंगे, हूँ कर लो बह के। थैंक यू स्टूडेंट्स।